Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Usman and I am your maths teacher. Today is 12th April 2021. Day is Monday. Okay, beta? Class 3, आपको पता है, unit number 1 कर रहे हैं हम. Unit number 1 का name है numbers. और previous lectures में हमने page number 13 से पहले कर लिया था, page number 11 था. अब जो next जो page करना है आपने, वो है page number 13 और 14. ओके बेटा, आज के लेक्चर में पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 करना है. जल्दी से अपनी काउंटडाउन बुक 3 ओपन करें और उसका पेज नंबर 13 और 14 जो है वो ओपन करें. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लुक एट द फॉलोइंग फोर डिजिट नंबर्स. ये देखिए, आपको फोर डिजिट वाले नंबर्स दिए गए हैं. वन ऑफ द डिजिट्स हैज बीन सर्कल्ड. इन में से एक डिजिट जो है उसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? राइट इट्स वैल्यू. तो जिस डिजिट के ऊपर सर्कल लगा हुआ है आपने इसकी वैल्यू लिखनी है. एंड ड्रॉप बीट्स ऑन द अबेकस. ये अबेकस जो है इसके ऊपर आपने बीट्स भी ड्रॉ करने हैं. टू शो द वैल्यू, ताकि आप उस वैल्यू को शो कर सके बीट्स ड्रॉ करके. ठीक है बेटा, तो ये देखें, ये वैल्यू है, पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन वन का. ए पार्ट आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड है. ठीक है, मैं बी पार्ट करने लगा हूं आप लोगों के लिए. बी पार्ट में देखें तो कौन सा डिजिट सर्कल है? 9. अब ये देखें इसकी वैल्यू क्या है. हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से ना. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. तो 9 की वैल्यू क्या है? 9000. मैंने लिख दिया 9000. और बैकस में आपको पता है ये लाइन जो होती है फर्स्ट वाली, ये होती है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. अब आपने ये देखना है थाउजेंड वाली लाइन में कितने बीट्स ड्रॉ करने हैं? 9. तो ये देखिए, मैंने 9 बीट्स ड्रॉ कर दिए थाउजेंड वाली लाइन में. ठीक है बेटा, जरा ध्यान से काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बीट्स मैंने ड्रॉ कर दिए. ओके बेटा, समझ आ गई. अब आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, सी पार्ट में देखें 39025. कौन सा डिजिट है जिसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है? 2. तो ये कहां पर है? वंस, टेंस, यानी कि 2 टेंस. अब आपने बैकस ड्रॉ किया, इसमें देखें आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट थे, तो 5 लाइंस, 1 2 3 4 5. पहले वाली लाइन होगी वंस, फिर 10 100 1000 10000. ओके, तो 2 टेंस का मतलब है कि टेंस वाले कॉलम में, यानी कि ये टेंस वाली जो लाइन है इसमें 2 बीट्स ड्रॉ करने हैं आपने. हाउ मेनी? जस्ट 2 1 2 2 बीट्स आपने ड्रॉ कर दिए. अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है और उनको बुक के ऊपर सारे पार्ट्स को सॉल्व भी करना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट. ये देखें, ये डिजिट एक सर्कल लगा हुआ है ना, डिजिट्स के ऊपर ये देखें सर्कल लगे हुए हैं. आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, आपने इनकी वैल्यू बतानी है. बहुत आसान है, यहां से देखिए, स्टार्ट करते हैं राइट साइड से. ये क्या है? फर्स्ट डिजिट क्या होता है? वंस. तो ये आ गया 4 वंस. अब कौन सा सर्कल डिजिट है? ये वाला. इसमें देखें ये क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड. तो इसका मतलब है 100 100. इसमें देखें इसके ऊपर आ रहा है. अब ये देखते हैं इसकी पोजीशन कहां पर है. 1 1 10 100 1000. तो 3 आ रहा है 1000 पे, तो आ जाएगा 3000. अब ये देखें 1 10 100 1000 10000. तो 6 कहां पे आ रहा है? 10000. तो 6 10000 जो होता है, ये 6 10 60, ये बन जाएगा 60000 60000. अब इसमें देखिए 6 कहां पे आ रहा है? 1 10 100 1000. तो ये बन जाएगा 6000. 8 कहां पे आ रहा है? 1 10 100. तो 8 आ रहा है 100 पे ना, तो बन जाएगा 800 800 800. अच्छा, इसी बुक में देखिए पेज नंबर 13 के लास्ट में ये चैलेंज लिखा हुआ है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है और आपने इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करना है और इनको याद भी रखना है. ठीक है, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज डैश.
सबसे टू डिजिट वाला नंबर छोटे से छोटा कौन सा है? 10। 10 ऐसा नंबर है जो कि टू डिजिट वाला नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट है, ये याद रखना आपने। और थ्री डिजिट वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 100। और सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1000। इसी तरह सबसे ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 99। टू डिजिट वाला नंबर हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो तो वो कौन सा नंबर होगा? 99। थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? 999। और फोर डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। यानी कि 4×9 लिखना आपने, तो ये फोर डिजिट वाला नंबर बन गया। और ये फोर डिजिट वाला नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट वाला, ओके, सबसे बड़ा। इन बातों को आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपका बुक का पेज नंबर है बेटा 14, और ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, इसको आपने फिल करना है। ये देखिए कुछ पार्ट्स मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसको एक्सपेंड करके लिख देना आपने, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए ना, आपके पास ये नंबर्स हैं और ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ये बॉक्सेस काउंट करिए, कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इस नंबर को देखें, ये तो 4 डिजिट वाला नंबर आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना, ओके। स्टार्ट करेंगे यहां से, ये जो फर्स्ट डिजिट है ना 2, आपने इसको लिखना है और बाकी सारों को उनकी जगह पे 0 लिख देना आपने। ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने का मेथड होता है, ठीक है, तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है, इसको आपने सीखना है। फिर प्लस लिखते हैं, फिर जो सेकंड वाला नंबर था वो क्या था? 5। फिर 5 लिखना है और आगे 2, 0, ठीक है। फिर ये वाला 0 लिखना है, उसको 0 बना देना है और साथ में प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें भी देखें 4 डिजिट है, इसको मतलब फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा। 3, और ये 3 का नंबर क्या हो गया? 0। फिर 4 लेना है और इन दोनों को 0 बना देना, 4, 0। फिर 9, 0, और ये वाला 0 लास्ट में यहां पर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 8, और साथ में ये 3 डिजिट्स क्या बन गए? 000। फिर 0 ये लिया और ये 2 00 इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। 7 के साथ 10 आएगा और ये 6 कॉर्नर पे। इसी तरह देखिए, अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर आ गए ना, 5 डिजिट वाला नंबर, इसका मतलब अब इस बॉक्स में लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे यहां से 5 से, 5 लिखने और इन सारों को 0 बना दो, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0 लगा दिए। फिर 0 लेना है ये वाला और इसके साथ इन 3 डिजिट्स को 0 बना देना है। फिर 4 लेना है और 4 के साथ आगे 2 डिजिट्स को 0 बना देना है, तो ये बन गया 400। फिर 30 30 हो जाएगा और ये 7 लास्ट में। इसी तरह देखिए 6 लिया और बाकी 4 डिजिट्स जो थे उनकी जगह पे 0 निकाल देने आपने। फिर ये वाला 6 लेना है यहाँ पे और बाकी 3 डिजिट्स को 0 लिख देना है। फिर ये वाला 6 आएगा और इसके साथ ये 2 डिजिट्स की जगह पे 00 आ जाएगा। फिर ये वाला 0 इसके साथ 10 ये वाला, और साथ में लास्ट में बचा 6 वो इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व भी करना है पेज नंबर 14 को, ठीक है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें होमवर्क जो आज आपको मिलेगा पेज नंबर 15 का, इसकी वीडियो मैं अभी आपको बना के जो है आपको फॉरवर्ड करूंगा, तो बेटा आपको होमवर्क में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी उस वीडियो से, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।